राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों के बीच भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता अयोध्या जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। भाजपा जानना चाहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। बिलासपुर एसडीएम सूरज साहू ने हलका नंबर 24 ग्राम सिमरताल की पटवारी गरिमा उर्फ प्रिया द्विवेदी को किया निलंबित। ग्राम रमतला के भूमि खसरा नंबर 174 के बटांकन आदेश पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रविष्टि दर्ज करने के साथ काट छांट करने की शिकायत पर की गई कार्रवाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में पामेड़ एरिया कमेटी एसीएम सहित थाना भेजी क्षेत्र से एक इनामी समेत दो नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री किया गया बरामद। नक्सली बीजापुर और सुकमा जिले क्षेत्र के हैं मूल निवासी। दुर्ग जिले में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से हुई मौत। कैंप निवासी महिला को बीपी शुगर और अन्य बीमारियों के चलते भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बता दें कि 12 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 31। बिलासपुर सिम्स में मरीजों को घटिया भोजन परोसने पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जताई नाराजगी। कलेक्टर अवनी शरण ने सिम्स का निरीक्षण कर फिलिप्स कैटरर्स के ठेकेदार पर लगाया 1,00,000 रुपए का जुर्माना। चीफ जस्टिस की फटकार के बाद लिया गया एक्शन। रायपुर टिकरापारा थाना क्षेत्र के मठ पुरैना बीएसयूपी कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। एक ही फंदे से लटकते मिले माँ पिता और बेटी। तीनों के आत्महत्या का कारण है अज्ञात। मृतक लखन लाल सेन एक स्टील कारोबारी के घर ड्राइवर का करता था काम। फिलहाल पूरे मामले की जाँच में जुटी है पुलिस। बालोद थाना क्षेत्र के तरौद पेट्रोल पंप के पास देर रात गन्ने से भरी ट्रैक्टर और छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ स्कॉर्पियो में हुई जोरदार भिड़ंत। टक्कर इतना जोरदार था कि स्कॉर्पियो के उड़े पर खच्चे और चालक हुआ घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ में बारिश से हो सकती है नए साल की शुरुआत। पश्चिम से आने वाली हवा के असर के कारण 1 जनवरी को सरगुजा और बस्तर संभाग में छाए रहेंगे बादल। कहीं कहीं बारिश की भी है संभावना। पूर्व से आने वाली हवाओं में नमी ज्यादा होने के कारण 2 दिनों बाद 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है रात का पारा।